पंजाब की सियासी पिच पर कप्तान के 23 खिलाड़ी उतर गए। सूबाई काबीना के अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में कायम मुकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही ने हल्फ लिया। पंजाब हुकूमत ने वुजरा की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आला पंजाब की काबीना अरकान को मुबारकबाद। महकमा सेहत में पहले 100 दिनों में तब्दीली नजर आएगी। सेहत की सहूलत सबका हक है, हमारा वीआईपी गरीब आदमी होगा। इमरान खान की सिपाही हूं, आवाम की खिदमत करूंगी, प्रोटोकॉल नहीं लूंगी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की हल्फ उठाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम के विजन पर बाइख्तियार चेक एंड बैलेंस वाला बल्दियाती निज़ाम लाएंगे। पंजाब में केपी और मुशर्रफ दौर के बल्दियाती एक्ट का इम्तजाज होगा। चंद रोज में मुशावरत के बाद नया एक्ट असम्बली से पास कराएंगे। सूबाई वजीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान की लाहौर न्यूज से गुफ्तगु। बोले शहबाज शरीफ ने बल्दियाती निज़ाम के तमाम इख्तियार अपने पास रखे। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इख्तियार के लिए एहतजाज करते रहे। लॉर्ड मेयर से कोई जाती रंजिश नहीं, अल्लाह ने इज्जत दी, सबको साथ लेकर चलूंगा। नए पाकिस्तान में गरीब आवाम की महरूमियों का अजाला होगा। कानून की हुक्मरानी को पूरी कुव्वत से नाफिज करेंगे। तालीम सेहत हर शहरी का हक है, ये हक दिलवाएंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार की मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात में गुफ्तगु। सरदार उस्मान का आवाम से बराह रास्त राबता करने का फैसला। वजीर आला हफ्ते में 2 घंटे फोन लाइन पर दस्तयाब होंगे। सोशल मीडिया पर भी आवाम से राबते में रहेंगे। हफ्ते में 1 दिन खुली कचहरी भी लगाएंगे। कप्तान की तरह खिलाड़ी का भी बड़ा फैसला। सूबाई वजीर हुसनैन दरेशक का कम से कम सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का ऐलान। हुसनैन दरेशक कहते हैं, ना सरकारी गाड़ी लूंगा ना ही वजारत की तनख्वाह, आवाम की खिदमत के लिए काम करूंगा। शेख रशीद हनीफ गुल तनाजा अगले मरहले में दाखिल। हनीफ गुल को मनाने की कोशिशें नाकाम। ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 20 के आगा वसीम को नया चीफ कमर्शियल मैनेजर रेलवे लगा दिया गया। लाहौर न्यूज ने नोटिफिकेशन की कॉपी हासिल कर ली। खातून अव्वल के साबिक शौहर खावर मानिका को नाके पर रोकने का मामला। डीपीओ पाकपतन रिजवान उमर गोंदल को ओहदे से हटा दिया। आईजी पंजाब का सीपीओ ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। खावर मानिका को नाके पर एसएचओ ने रोका, तलख कलामी भी हुई। वजीर आला उस्मान बुजदार ने वाकये का नोटिस लेते हुए डीपीओ को खावर मानिका के डेरे पर जाने का हुक्म दिया। रिजवान गोंदल ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। डीपीओ रिजवान गोंदल का किसी दबाव पर नहीं, गलत बयानी पर तबादला किया। बतौर पुलिस ऑफिसर गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। शहरी से पुलिस अहलकारों की बदतमीजी पर बार बार गलत बयानी की। ट्रांसफर को गलत रंग देने और सोशल मीडिया पर वायरल करने पर रिजवान गोंदल के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। गलत रवैये से मिसगाइड करने वाले अफसरान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, आईजी पंजाब। लाहौर हाई कोर्ट ने मियानी साहब कब्रिस्तान में पक्की कब्रें बनाने पर पाबंदी आयद कर दी। कब्रिस्तान से पक्की कब्रें बनाने के रेट से मुतालिक बोर्ड्स फौरी तौर पर हटाए जाएं। जस्टिस अली अकबर कुरैशी का हुक्म, अदालती हुक्म पर मिनो ऑन अमल करवाएंगे एसी सिटी सफदरबर्ग। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने अंदरून शहर गैर कानूनी प्लाजों के खिलाफ केस में डीजी वार्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी को कल तलब कर लिया। दाता दरबार के गिर तजावुजात के खिलाफ केस में डीसी लाहौर भी तलब। इमरान खान वजीर आजम तो बन गए मगर तब्दीली ना ला सके। ब्यूरोक्रेसी नए पाकिस्तान की बेइज्जती कर रही है। शहबाज शरीफ के लाडले ब्यूरोक्रेट्स को जेलों में सहूलियात दी जा रही हैं। साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड आसिफ हाशमी की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू।
पाक भारत आबी तनाजा मुजाकिरात के लिए आज भारतीय वफद लाहौर आएगा। वफद वाहगा के रास्ते लाहौर पहुंचेगा। मुजाकिरात में सिंतास मुआहदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान पानी के मसाइल पर बात होगी। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के फॉरेंसिक ऑडिट का मामला एलडीए और टीपा ने मंसूबे का तमाम रिकॉर्ड मरतब कर लिया। मंसूबे के दस्तावेजात पर होने वाले अफसरान के दस्तखत की तस्दीक फॉरेंसिक लैब से करवाई जाएगी। पंजाब फूड अथॉरिटी को नया डीजी मिल गया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान नए डीजी तैनात कर दिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी का कलमदान संभाल लिया। महंगाई से सताए आवाम पर दुकानदारों का खुदकुश हमला। दालों, लाल मिर्च, चीनी और चावल की कीमतों में आज खुद इजाफा कर दिया गया। दाल चना और माश 10 रुपए, मसूर 13 रुपए फी किलो बढ़ा दी। काले चने और बेसन की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। लाल मिर्च की कीमत 60 रुपए फी किलो बढ़ा दी। चीनी के 50 किलो के बैग में 150 रुपए इजाफा कर दिया। मेट्रोपॉलिटन का 20वां इजलास 4 सितंबर को तलब। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने मंजूरी दे दी। बल्दियाती नुमाइंदों की 1 अरब 91 करोड़ की तरक्याती स्कीमें एजेंडे में शामिल। मॉल रोड को असल हालत में बहाल करने और तारीखी इमारत की तजीन व आराइश की मंजूरी भी दी जाएगी। डाकू बेलगाम, पुलिस पकड़ने में नाकाम। वारदातों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी। फैसल टाउन में डकैती मजाहमत पर 25 साल नौजवान जख्मी। निश्तर कॉलोनी में डाकू शहरी से 20 लाख रुपए छीन कर फरार। थाना टीबी सिटी की हदूद में भत्ता ना देने पर ताजर को फायरिंग से जख्मी कर दिया। जौहर टाउन में घर के बाहर गार्ड चोरी करके गायब। और लॉन्ग लाची की गुरुकारा मन्नत नूर अब लाहौर में आवाज का जादू जगाएंगी। अदाकारा जारा अकबर के साथ म्यूजिकल शो में परफॉर्मेंस के लिए मुआहदा कर लिया। इंतजामात मुकम्मल करने के बाद शो की तारीख और मकाम का ऐलान किया जाएगा। जारा अकबर